ये देखिए मैंने नीचे से इसको इस तरह से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 4 इंच जितना फोल्ड किया है और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये 2 इंच का ही रह जाएगा। पाइचा हमेशा नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा गफ मुड़ा हुआ यानी कि डबल मुड़ा हुआ हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो साइड से इस ट्राउज़र में खूबसूरती के तौर पे कुछ भी लगा सकती हैं। इसको हम साइड का स्लिट वगैरह नहीं खोल रहे क्योंकि जामा बार है, इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो हम वैसे ही खूबसूरती के लिए कोई चीज़ भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएं तो सिंपल ही टाइट से ट्राउज़र बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको मैं पांचे का जो है चौड़ाई मैंने सिलाई 7 इंच पे रखनी है लेकिन मैं 9 इंच क्योंकि एक ओवरलॉक कराना है धागे बहुत निकलते हैं तो मैं 9 इंच का रखूँगी। स्ट्रेट पाइचा ऐसे ये यस, लेकिन हमने सिलाई इसकी 7 इंच पे करनी है इस तरह से। हमने ऊपर से जो रुमाली आसन का हिस्सा है नेफे के बाद हमने इसको रखना है 14 इंच। हमेशा याद रखें ट्राउज़र का शलवार से थोड़ा शॉर्ट होता है और हमने यहाँ से इसकी वेस्ट रखनी है 16, ये हम पूरी ही रखेंगे ताकि इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से कटिंग कर लें। यहाँ से हल्की सी गुलाई करूँगी मैं ऐसे, ये देखें, और इसको ऐसे, ये ऐसे ही होगा ऐसे। अब मैं आपको सिंपल सा ट्राउज़र ये देखें कटिंग करना दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है। देखें बिल्कुल एक ही कटिंग हो गई। अब ये जब सिलाई हो जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल सा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। अब आपने ऊपर से वेस्ट कितनी रखनी है यानी कमर का हिस्सा जो बेल्ट है ये हमने 14 इंच यानी कि 14 इंच रखना है और ऊपर से यहाँ से हल्की सी ऐसे बस, ज़्यादा नहीं हल्की सी, कटिंग करेंगे बहुत गहरी नहीं करेंगे। ये हो गया सिंपल ट्राउज़र तैयार। उम्मीद है आपको सिंपल ट्राउज़र भी कटिंग करना आ जाएगा। इसको देख के बहुत आसान है, 2-3 मिनट में कटने वाला, 2-3 मिनट में सिलाई होने वाला। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं अब आपको सिलाई के बाद दिखाऊंगी। अब हमने ये ट्राउज़र तैयार कर लिया, सिंपल सा ट्राउज़र है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कटिंग करना दिखाया था। ये देखें साइड से स्ट्रेट सा रखकर नीचे से, ये देखें बहुत सिंपल ऐसे नीचे से पाइचे हमने फोल्ड कर दिए हैं और साइड में ऐसे और ऊपर से इलास्टिक डाल दिया। बहुत ही आसान तरीके से सिलाई होने वाला घर में सिंपल सा ट्राउज़र, सीक्रेट पैंट भी से बोलते हैं, कैपरी भी बोलते हैं। मेरा मकसद आपको सिंपल सिंपल चीज़ें दिखाने का ये है कि घर में ईजीली आप ये चीज़ें भी सिलाई कर सकती हैं। बहुत आसान और जल्दी सिलाई होने वाला, कटिंग होने वाला सिंपल सा टाइट्स ट्राउज़र है। अगर आपको ये ट्राउज़र पसंद आए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर करें और बताएं हमारे इस चैनल पे आपको ये आइडियाज़ कैसे लगते हैं। ये मेरा मिक्स आइडियाज़ फैशन चैनल, आप इसे प्रमोट करें प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी शुक्रगुजार होंगी क्योंकि आप ही हमारे चैनल को आगे ले जा सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।